शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या 4,000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1,000 रुपए दिया, अब 4,000? 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया। चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया। कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख, 4,000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5,000? ये सेठ इधर 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 ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया, उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5,000 देता है, हाँ? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह चने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके भंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन, हीरोइन समझा। ड्रग्स। बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को देना ये सूट, देना। 4,000 में लेना है तो ले, हा? नहीं तो फूट। ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। अभी जो ये आइटम देखे गए ना वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर, हराम खोर, ऐसे चलाओ ना। Who's that? हम है बॉस। Oh, come, come, come in, come in. बॉस, डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, very good. कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। But we escaped. Thank God. Bag खोलो, खोलो। Excuse me, बॉस. वाला? ये चड्डी, जांघिया, पैंट, शर्ट, ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस, हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था, कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनुभाय गांधी हियर? क्या? अब समझा, हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस? ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है। अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हा? तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। कौन? बॉस, 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 हमें बचा लो, बॉस, हमें बचा लो। सेव अस। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है। अरे बेवकूफ, तुम लोग यहाँ क्यों आए मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। Ooh, ooh.
कानून ने भी शादी के लिए कम से कम उम्र तय की है, ज्यादा से ज्यादा पर कोई बंधन नहीं है कानून में। जिस उम्र में दांत और बाल दोनों साथ छोड़ दें, उस उम्र में किसी का हाथ हाथों में होना चाहिए। दुनिया के महान एक्टर चार्ली चैपलिन ने एक 17 साल की लड़की ओना से शादी की थी, तब उनकी उम्र थी 50 साल। मेरा जी जान से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार मत बनिए। इसी शुभ मुहूर्त में जल्दी से लड़की खोजिए और जल्दी से शादी कीजिए। ए लोहा लोखन रद्दी, काय को इतना चिल्ला रहा है? ये सब मुझे जबान नहीं याद है, ये मेरा राष्ट्रगीत है, समझे? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे सुंदर, सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आइए आइए, कम 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 आइए। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, ये चलेगी? ये चलेगी? नहीं, इतनी कम उम्र की नहीं, खतरा है। खतरा? अरे हो सकता है सालों पहले मैंने इसकी माँ को देखा हो, अब बेटी को देखने जाऊं? ओके, ये चलेगी? नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। ओके ओके, दूसरी देखते हैं। ये? अरे नहीं यार, ये नो, ये नो, ये रुक 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 रुक। क्या बात है, ये अच्छा पीस है। ये कन्या कौन है? ये आर्ट्स कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती है, 40 साल की कुंवारी लड़की है। आपको पसंद है तो ओके, दो दिन दो, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, दो दिन बहुत लंबे होते हैं, तू अभी के अभी इसकी फोटो छाप, कॉपी निकाल, मैं आज ही जाके इससे मिलता हूँ। आप जब जब भी किसी से बात करते हैं ऑलवेज मुसीबत में फंसते हैं मुझे बात करने। अरे अपनी काली जबान को लगाम दे, समझे? आज शहनाई बजेगी, शहनाई। चल फोटो छाप जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर, बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट? जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे बताओ मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नालायक, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने, हैं? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप, शट अप। वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर सर सर, आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूं सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये असली फोटो? नहीं 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 सर, सर वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ्स, इसमें और कुछ नहीं है सर। दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर, ए चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ नहीं है सर। यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो? ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? हैं? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10? 10 साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना, छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे, पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूं कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूं मैं। आप ए ए उ ए ई ओ आ उ ए ई ओ आओ आओ क्या आओ 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 सर सर, ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे है और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। अरे ये बोला, ये बोला, मैं नहीं बोला।
मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। किसी बात द्वारा नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। नेवर। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये तो वही चाहिए। कलाना कलाना बंदूक वाला। भाई कचरा सेठ। हाँ बोलो कचरा सेठ। वो बंदूक वाला इधर ही जा रहे लाए। एक काम करो, तुम फटाफट फटपटी पर बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। अच्छा चलो। एकदम कड़क माल है ना? ये ले 5,000। नहीं नहीं सेठ, ये सैंपल है। मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल? मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तूने क्या गंजे का खेती चला के रखा? माल रेडी है, रोकड़ा रेडी है क्या? कैसी बात करता है, ये बंगार की दुकान में मैं 2-3 करोड़ रुपए लेके बैठूंगा? तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। हैं? जा। इना मीना डीका। ए, तेरे को मेरे तीनों बेटियों के नाम कैसे मालूम? बताना कैसे मालूम, बताना। मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ए, वो तीनों तो तीसरी में पढ़ती है। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। ए तात्या, उधर ले गया। ओए मार चल फट कर रोड के बीच में। यहाँ पे हाँ। ए रुको रे, रुको। ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना है। लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिएगा, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रे। अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंड रे। एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो। बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला। कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़े शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था? इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती हैं। घिन आती है मुझे, बारिश का एक झपटा भी आया ना ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए। मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम मैडम ये सब नहीं चलेगा, इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। ए, जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। ए, बहुत घमंडी हो गई है तू। ज़बान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ दे। चल जीजू बीजू घर पे चल। तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला। गाड़ी गाड़ी बैक करके ले गए। अरे कैसे है ना, एकदम कड़क। 100-150 किलो है, बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम,
मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। अरे अरे तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया। एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ। मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे। उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, शमशान के सामने। ठीक है ठीक है, शमशान के एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कचरा सेठ, एक मिनट। वो माल देने को बुला रहा है कि जान देने को बुला रहा है? हाँ, शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेठ, कचरा सेठ, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ, वो जो SG मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही 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 रॉयल सर्कस। काइको प्लीज प्लीज, वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है। क्यों, छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई तू जल्दी आ जा, रॉयल सर्कस में आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। हेलो, हेलो, सुनो, मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। नहीं, वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमते क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके ओके ओके, मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिखी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पंधे हैं? मैं हूँ, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के, हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? अब टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? Oh, can't see? I can see. I can see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। वो नहीं, ये अच्छा, ये मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं, मानिए मत सर, सर मानिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? बात सुनो। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। अर्चना तय कर ले पहले। लड़की कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो चुआ तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है, मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व। थूकता है, थूकता है, नलाय वक्तृत्व, वक्तृत्व पर जा।
वक्तृत्व स्पर्धा ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी, आप भी अंधे हैं? आप भी अंधे हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। अच्छा। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। वहां अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं। ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना। बहुत मारते आप लोग। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूं। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? ये साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हाँ। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बता हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास मत कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। ए, मजाक बंद कर और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तानी जान तुमके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलते थे, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एमजी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार मेरे चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस, मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है? वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। मनोबाय गांधी है? नहीं, शेर खान, मेरी बात तो एक 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 मौका और दो। क्योंकि अब की बात खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा।